Assalamualaikum Alaikum students, how are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. This is Yusuf Khan here again with you people uh, with your books uh, of uh, first year English, uh, Unit 14. And uh, this Unit 14 is a poem which we are going to discuss today, okay? Ye jo aapka unit, hai, Unit Number 14, wo hai The Patriot. रॉबर्ट uh, ब्राउनिंग uh, जो पोएट है इस नजम के उनका नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग है जो 1812 में पैदा हुए थे और 1889 में ही इज डेड ओके सो दिस इज द बर्थ डेट एंड द डेथ डेट ऑफ द इन सेंस जो uh, कोई चीज स्टोरी लिखी होती है अभी अगर पोएम है तो सो ही इज अ पोएट ना ओके सो ही पैट्रियट पैट्रियट के हवाले से जो यहाँ पे पोएम है जो पैट्रियट के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो बट दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू नो आई आई एम हियर टू एंड ओके सो जैसे कि मैं आपको अपने हर लेक्चर में बताता हूँ काइंडली कीप द बुक्स विद यू बुक्स अपने पास रखें तो ये जो पर्म है द पैट्रियट पैट्रियट के हवाले से हम लोग बात करें जो मुहब्बुल वतन होता है जो अपने वतन के लिए अपनी जान आ, कुर्बान करने के लिए हाजिर होता है जो अपनी वतन से मोहब्बत करता है ऐसे बंदे को पैट्रियट कहते हैं पैट्रियट वो होता है जो वतन के लिए वतन की मोहब्बत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो ओके पैट्रियट इज दैट पर्सन हु इज वतन ठीक uh, वतन ठीक है सो द वन हु कंट्री ओके इज द कंट्री ओके सो दैट इज पैट्रियटिज्म सो पैट्रियट इज पर्सन हु लव्स हिज कंट्री तो इस पोएम के हवाले से भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैट्रियट है किस बेस पे आ, इसको मुहिब वतन क्यों इसका टाइटल दिया गया है और ये पोएम बेस्ड है एक महिब वतन पे या किस चीज पे बेस्ड है या उस मुहिब वतन की मतलब कुछ आ, गलतियों की वजह से ऐसी कुछ गलतियां हो जाएँ जिसका उसके सज़ा दी जाती है और उसको गद्दार कहा जा कहा जाता है सो सच काइंड ऑफ सिनारीो यहाँ पे है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग यहाँ पे बता देता है कि फ़ॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनारी बता देता हूँ इस पोएम के हवाले से कि एक मुहब वतन होता है जो फॉर एग्जांपल एक एग्जैक्ट डेट है डेट के मुराद से हम लोग बात करें तो फ़ॉर एग्जांपल इस साल इस दिन का डेट है और इस दिन उसकी जो आ, मतलब उस महबी वतन की जो वेलकमिंग होती है उस मुल्क में जो उसने कारनामे किए होते हैं अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क की मोहब्बत में उसके हवाले से उसको जो इज्जत दी जाती है सेम वन आफ्टर एक साल बाद उसी दिन जिस दिन उसको वेलकम किया गया था द सेम डे ही इज हैंड ओके उसको फांसी uh, के तख्ते पे पहुँचा दिया जाता है और उसको गदार करार दिया जाता है तो ऐसी एक स्टोरी है ऐसी एक सनारियो है जिसके बेस पे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोएम लिखा है ये नज्म लिखी है सो लेट्स गो टू वर्ड्स इट एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स विच इज इज़ इन द पोएम एंड समेटेड टू द डिफिकल्ट वर्ड्स विच आर ऑलरेडी मैं इन द पोएम वो भी डिस्कस करेंगे जो कुछ कुछ मुश्किल अल्फाज़ात हैं इसमें या मुश्किल एक्सप्रेशन हैं इसमें जो इसमें बताए जाते हैं पोएम में उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री रीडिंग के हवाले से आपको दिया गया है कि हाउ द इन गॉड कीप्स दाइफ होप इन आवर माइंड ओके ये जो हमारा ईमान है खुदा पे अल्लाह पे जो ईमान है ये हमें मतलब वो जो होप देती है दिमाग में जो वो ताकत देती है बींग अलाइव ओके हमें ज़िंदा रहने का ठीक है उस हवाले से ये ईमान जो होती है फेद की बात होती है वो कैसे ये सब करती है हमारी जहनीत के साथ क्या मतलब उसको एम्पावरमेंट कहाँ से मिलती है ये ईमान जो होती है मतलब अल्लाह में जो ईमान रखना और ख़ुदा में ईमान रखना कि एक खुदा है वो अल्लाह है और उस वजह से हमारी जो दिमाग और दिल में वो जो होप होती है कि यहाँ पे कुछ अच्छा ही होगा नथिंग बैड कैन हैपन टू अस समथिंग गुड विल ऑलवेज हैपन बिकॉज ऑल माइ टी अल्लाह इस तो ये फेथ है हम लोगों में जिसकी वजह से ये होप या उम्मीद हमें उजागर होती है कि हम थिंग गुड will happen if uh, the time is bad okay it doesn't matter but जो इनाम मिलना है जो हमने अच्छाई की है उसकी जो उम्मीद होती है अच्छाई की ही उम्मीद होती है अगर आपने बुरा किया होगा तो उसकी तो बुराई बुरी बुराई ही उम्मीद रखी जाती है कि मेरे साथ बुरा ही होगा क्योंकि मैंने बुरा किया है सो द सेम विल हैपन एज यू सो सो शैल यू रीट ये भी एक कहावत है जो जैसा बोएगा वो वैसा का, काटेगा ठीक है सो द हार्वेस्टिंग की बात होती है यहाँ पे जो बीज आप बोगे वही आपको काटना पड़ेगा लेटर ऑन जब वो पौधा निकलता है सो द सेम थिंग इज हर जो फसल होती है बुराई की फसल होती है तो बुराई काटोगे आप अगर अच्छाई की फसल होगी तो आप अच्छाई काटोगे सो एज़ यू सो सो शैल यू रीप अगर आप अच्छाई करते हैं तो uh, अल्लाह की तरफ से भी आपको अच्छा ही होगा अगर आप बुराई करते हैं किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो आपके लिए भी अल्लाह बुरा ही सोचेगा ठीक है सो द सेम थिंग जैसे कि हमारे पिछले लेक्चर से भी हम लोग सीखते आ रहे हैं तो इस पोएम में भी कुछ सीखने को है ओके नॉट ओनली लैंग्वेज कुछ एथिकल वैल्यूज कुछ सोशल वैल्यूज ये भी चीजें आप अगर इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू पीपल इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ्स, ओके इन योर लाइफ इफ यू वांट सक्सेस यू हैव टू इंप्लीमेंट सम ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन एवरी लाइफ ओके सो लेट अस कंटिन्यू विद द पोयम के पोयम में क्या बताया जाता है ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको छोटी सी एक झलक दी थी उसके हवाले से हम लोग डिटेल में देखते हैं आगे जाके कि हर स्टैंजा में ये पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कहता है पैट्रियट के हवाले से एक मोहmathbbवतन के हवाले से ओके इट वाज रोज़ेज़ रोज़ेज़ ऑल द वे विद माइटल मिक्स्ड इन माय पाथ लाइक मैड ओके तो वो बताता है कि जैसे कि वो अब वतन आ रहा है वो अपनी कहानी खुद ब खुद सुना रहा है ठीक है कि मैं जब आ रहा था इस तरह हर जगह गुलाब ही गुलाब फैले हुए और आ, माईल, माईल के के थे और माइट माइल माइल के मेहंदी कहते हैं उसको ठीक है मेहंदी के जो पत्ते होते हैं ना वो इस्तेमाल हुए हैं जो मतलब उसके राह में फेंके गए हैं उसकी खुशबू आ रही है और गुलाब के फूल की खुशबू आ रही है वहाँ पे रस्तों में ठीक है तो वो बता रहा है पूरा सिनारियो बता रहा है जब वो वही पे वतन मतलब कोई कारनामा करके अपने मुल्क के लिए कुछ बहुत बड़ा काम करके आ रहा है उसे वेलकम किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है ठीक है उस सवाल से कुछ बातें हो रही हैं द हाउस रूफ्स घर के जो छत है सीम टू हीव एंड स्व वो जैसे कि मतलब डल रहे हो तो टू एंड फ्रो मोशन जो होती है ऐसे तैर रहे हो इंसानों से मतलब वो जो छत है लोगों के वो जैसे कि रोड पे उसको ले जाया जा रहा है तो घर साइडों पे बिल्डिंग्स हैं उस पर जो इंसान और लोग सारे खड़े हैं उसके वेलकम के लिए वो बोल रहा है ऐसे लग रहा है जैसे कि वो स्वे ही वैंड स्वे मीनस दे आर फिल्ड विद पीपल हु आर ट्राइंग टू वेलकम पैट्रियट ओके सो वो जो है ऐसे लग रहा है जैसे कि वो पूरा घर झूल रहा हो इंसानों से ठीक है ओके लोगों की तादाद से उसकी जो तादाद इतनी ज्यादा होती है वो उसको वेलकम कर रहे हैं या हाथ हिला रहे हैं या बॉडीज हिला रहे हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कि वो पूरा घर जो है वो जो घर की छत जो है वो खुद झूल रहे हैं आगे पीछे ठीक है द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड सच फ्लैग्स दे हैड अगो ऑन दिस वेरी डे ठीक है वो अपने पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि कियर अगो एक साल पहले सेम डे इसी दिन ऐसा कुछ मैंने देखा ओके okay? जो होते हैं, जैसे कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल चर्च देखे हैं अगर आप नेट पे आप तस्वीरें भी निकाल के देख लें कि चर्च सिंपल चर्च के जो ऐसे जो ट्रायंगल की तरह एक पिलर चढ़ा होता है ऊपर वो क्रॉस वगैरह बना होता है वो जो टावर होता है उसको चर्च स्पर कहते हैं ठीक है चर्च स्पायर उसको स्पायर कहते हैं वो जो ऊपर से पूरा टावर की तरह की चीज़ होती है जो चर्चेस पे बनी गई होती हैं जैसे कि हमारे मीनार होते हैं मस्जिदों पे मीनार होते हैं उसी तरह चर्चेस की जो होती है उसको स्पायर्स बोलते हैं चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड फ्लेम्ड बंद मतलब जैसे कि आग लगी हो उसमें ऐसे झंडे इस्तेमाल किए गए थे सच फ्लैग्स दे हैड उस पर ऐसे फ्लैग्स इस्तेमाल किए गए थे ऐसे झंडे इस्तेमाल किए गए थे जैसे वो झंडे लहरा रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे कि वो चर्च का जो टावर है उस पर कोई आग लगी हो ठीक है या आग उस पर जल रहा हो आग लगी हो वहां पे अर अगो ऑन दिस फेर ओके एक साल पहले इसी दिन सो दिस वॉज द फर्स्ट टांजा एयर ब्रोक इंटू ए मेस्ट विद बेल्स ओके जो हवा में जो थी ऐसे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई घंटियाँ बज रही हूं मतलब खुशहाली की ओके okay? जैसे कि घंटियाँ बज रही हूं वो सुनाई दी द ओल्ड वॉल्स रॉकट विद्राउड एंड क्राइज वो जो नारेबाजियाँ हो रही हैं जो पुरानी दीवारें हैं उस शहर की या उस जगह की वो rocked विद rocked विद मतलब उनकी आवाजें गूंजने लगी ओके okay? किस वो जो क्राउड होता है या मजमा वहां पर मौजूद था वो जो चीख चिल्लाट रहे थे फॉर एग्जाम्प उसके हौसला अफजाई के लिए या खुशी से मतलब वही होगा हो हो ना तो वो जो होता है उस आवाजों से वो ऐसे जैसे वो माहौल सारा वो पुरानी दीवानें सारी गूंज रही थी ठीक है सो दिस इज वॉट द पॉइंट वॉन्ट्स टू से Had I said good folk mere noise repels, okay? ओके uh, जैसे कि मैंने बताया है good folk, मतलब अच्छे लोग जो होते हैं उनकी जो है ना mere noise repels, जो ऐसी आवाज़ें होती हैं वो repeat होती रहती हैं. Repelling मतलब किसी चीज़ से टकरा के वापस आना so, this is called repel. To give me your sun from yonder skies, जो हमें अपनी धूप देना या मतलब उसकी जो खुशी होती है वो देना अबाव दस्क एक इज़्ज़त अफजाई हो गई या उसकी हौसला अफजाई या इज़्ज़त अफजाई रादर हौसला अफजाई तो वेल एंड गुड वो तो होगी लेकिन इज़्ज़त अफजाई हो गई क्योंकि दूसरों से उसको मिल रही है ठीक है उसके हौसले अफजाई की जरूरत नहीं है उसने कुछ की कर दिया है कोई बड़ा काम कर दिया अपने मुल्क के लिए मुल्क की मोहब्बत में उसने बहुत बड़ा काम किया है तो उसकी इज़्ज़त अफजाई हो रही है तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशल समझ रहा है है, एक पैट्रियट उस दिन जो एक साल पहले का वो किस्सा बता रहा है दे हैड answered and afterward what else ओके okay. वो उन्होंने जवाब दे दिया इन अ सेंस के हमारी क्या खुशी है कि एक पैट्रियट आया है अपने वतन के लिए कोई कारनामा करके अपने वतन का सर बुलंद करके वो पहुंचा है हम तक सो व्हाट एल्स इज लेफ्ट अलक इट वाज I who leaped at the sun. At last वो मैं ही था जिसने सूरज तक पहुंचने की कोशिश की ठीक है हाथ डालने की कोशिश की To give it my loving friends to keep. और उसे मैं अपने जितने भी बहुत ही चाहिए दोस्त थे उन तक पहुंचाने की to keep. Not man could do. Not man मतलब none, none of them. कोई भी ये कर नहीं पाता कोई भी नहीं कर सकता था जो मैंने किया हैव आई है एंड यू सी माय हार्वेस्ट व्हाट आई रीप दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन तो यहां पे वो ऐसी मतलब एक गिले शिकवे वाले पॉइंट आने शुरू हो गए हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया कि इवन यहाँ पे एक मवाजना एक कंपैरिजन टाइप दिया गया है जैसे कि आप मेटाफर्स और सिमिलीज के हवाले से पढ़ते आ रहे हैं यू नो लाइक फ्रॉम योर ग्रेड सेवन और एट में भी वहाँ से तो आप पढ़ते आ रहे हैं मेटाफर्स और सिमिलीज जो कंपैरिजन होते हैं एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तो इसी हवाले से यहाँ पे भी uh, एक कंपेरिजन uh, टाइप दिया गया है कि मैंने तो सूरज पर भी हाथ डाल दिया था अपने चहितों के लिए ताकि यू वो उनको दे दे लेकिन उसे बाद में पता चला कि वो इस काबिल नहीं थे कि मैं वो चीज दूँ। जो कोई नहीं कर सका मैंने वो कर दिखाया उनके लिए उसके बदले में मेरे साथ क्या हुआ वो बताया जाएगा नेक्स्ट में ओके आ, तो एंड यू सी में हार्वेस्ट हार्वेस्ट मतलब जो कटाई की है जैसे मैंने आपको आ, हमारे पिछले पोएम सिंपथी में बताया था कि एज़ यू सो सो यू रीप सो सोइंग मतलब कोई भी बीज आप डालते हो जमीन में वो बीज जो अगर फॉर एग्जाम्पल गंदुम की है तो गंदम की कटाई होगी ना सो एज इट इज़ सो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि एंड यू सी में हार्वेस्ट जो मैंने खुआारी की है उसकी कटाई जो मैंने की वो आपको आमने सामने नजर आ रहा है वॉट आई रीप वॉट क्या मैंने क्या मैंने पाया दिस वेरी डे नाउ अयर इज रन ठीक है मतलब इसी दिन अब एक साल बाद मुझे क्या सिला मिला इस हवाले से देर इज नो बडी ऑन द हाउस टॉप नाउ घरों के ऊपर छतों पे एक बंदा भी नहीं है ठीक है नो वन देर जस्ट अ पैलसीड फ्यू एट दंडोज सेट पैलसीड मीन फॉलेज के शिकार बंदे जो होते हैं जो मूवमेंट नहीं कर पाते जो लेटे होते हैं एक तरह से ऐसे लोग मुझे विंडोज सेट मतलब वही जो खिड़कियां होती हैं घरों के खिड़कियों में मुझे वो दिखने को मिले और कोई इंसान मुझे दिखने को नहीं मिला कि मैंने जब कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया था तो लोग इतने सारे थे मुझे वेलकम करने के लिए अभी मुझे गद्दार ठहरा दिया है तो मुझे देखने के लिए कोई भी नहीं आया ना मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई आया है ठीक है अगर है तो सिर्फ खाली छत है और खिड़कियों में कुछ फालिजनुमा लोग जो मूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अ लो ओके सो फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अ

आ नजर आ रहा है वो शेंबल्स गेट का है मुझे वो पासी घाट का है और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफल्स फूड आई ट्रो ओके जो ऊंचा चबूतरा होता है जिसे मैंने चढ़ना होता है पासी घाट तक पहुंचने के लिए सिर्फ वो मुझे नजर आ रहा है ट्रो मतलब ट्रो ऐसे जैसे कि अपनी बारी के इंतजार करते हुए अपनी बारी पे चढ़ना ठीक है सो so, बोल रहा है कि जो साइट मुझे नजर आ रही है फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अ लो वो क्या है एट द शैम्बल्स गेट और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफल्स फुट ओके ऊंचा चबूतरा स्कैफल कहते हैं जो चबूतरे पे चढ़ के जाते हैं ठीक है उसे स्कैफल फुट कहते हैं आई थ्रो आई आइट्रो ओके उस पर मैं चढ़ के जा रहा हूं यही मेरी बेस्ट व्यू है जो मुझे मिल रहा है शैम्बल्स गेट यानी कि फांसी घाट Okay, I go in the rain and more than needs. Okay, let's go towards the other page at Shambles Gate, or better yet, by the way, Scaffold's Foot, I throw. Okay, I go in the rain and more than needs. जो बारिश हो रही है उसी बारिश में मैं जा रहा हूं एंड मोर देन नीड्स अरोप कट्स बोथ माई रिस्क बिहाइंड जैसे कि उसे पीछे से बांधा गया है दोनों हाथों को पीछे से रस्सी से बांधा गया है तो वो जो रस्सी है बोल रहा है जैसे कि मेरे हाथों को काट रही है ठीक है रोप कट्स बोथ माय रिस्ट्स रिस्ट्स अपने यहां पे जहां पे आप घड़ी बांधते हैं इस जगह को रिस्ट बोलते हैं तो यहां से उसको बांधा गया पीछे से फ्रॉम बिहाइंड तो वो ऐसे लग रहा है उसको महसूस हो रहा है जैसे कि वो रस्सियां मुझे काट रही मेरे हाथ काट रही हूँ ठीक है ओके एंड आई थिंक बाय द फील माई फोर हेड ब्लीड्स और मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है जैसे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल चोट लगी हो मेरे माथे पे फोर हेड माथा यहाँ पे कुछ ऐसे टपक रहा हो ना जैसे कि मुझे इंजुरी हो गई है कोई ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रही है मतलब खून टपक रहा है जैसे कि आपको पता होता है जब आपका माथा पसीना होता है तो आप साफ करते हैं इसे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे पसीना आ रहा है इट फ्लोज एंड यू फील इट सो द सेम इज लाइक ही इज फीलिंग ब्लीडिंग ऑन हिज फोर हेड फॉर द फ्लिंग हुईंड ओके जोर से फेंकना फ्लिंगिंग मतलब जैसे कि आप भी पत्थर फेंकते हैं कोई जोर से उसको फ्लिंगिंग कहते हैं कि वो ये इस ये बात कहना चाहता है कि मतलब मुझे जो गुलाब और फूल मिले थे उसके बदले भी पत्थर मिल रहे हैं पत्थरों से मुझे जो जख्म हुआ है उससे मुझे ब्लीडिंग महसूस हो रही है फोर हेड से सो फॉर दे फ्लिंग whoever has हैज़ अ माइंड at एट मी फॉर years misdeeds okay ओके जो उस साल के मेरे misdeeds है मतलब जो गलत काम जो गलत कुछ हुआ है मुझसे उसकी वजह से जो मुझे पत्थर मारे जा रहे हैं ओके दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो इसी तरह मैंने की और उसी तरह से मैं जा रहा हूं इन ट्राइम्स मतलब फतह फतह करना फतह हासिल करना ठीक है इन ट्राइम्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डॉस दो ओ मी गॉड माय क्वेश्चन नाउ इंस्टेड टिस् गॉड शैल रिपे आई एम सेफर सो सो इस आखिरी पैराग्राफ में वो बता रहा है कि दस आई एंटर एंड दस आई को मीन्स जिस तरह मैं आया हूँ इस दुनिया में उसी तरह मैं वापस गया हूँ यही मेरी सबसे बड़ी फतह है जो पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड ओके सो लोग इस तरह कोई है नहीं जो स्टैंड uh, ले सकें या कुछ बोल सकें कि यार ये बंदा है जो एक पैट्रियट था वो अभी गद्दार क्यों बन गया है ठीक है सो पेट दर् वॉट दस्ट दाओ मी ओ मी ओके सो ओ मी मीन्स फॉर एग्जाम्पल यही क्या क्या एहसान किया फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने मतलब मैंने जो पैट्रेटिज़म के हवाले से जो मैंने अपनी लोगों के लिए अपने मुल्क के लिए किया वो तो बदले में उन्होंने क्या किया मेरे लिए ठीक है सो इस तरह का कोच बताया जा रहा है कि गॉड माइट क्वेश्चन कि खुदा भी मुझसे सवाल पूछेगा कि नाउ इंस्टर्ट दिस गॉड शैलरी पे आई एम सेफर सो वो भी मुझसे पूछेगा कि क्या हुआ लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो था जो मैंने अच्छाई की थी उसका सिला मुझे खुदा देगा मुझे लोगों से कुछ नहीं चाहिए ठीक है जो अच्छाई मैंने की जो कुछ किया लोग लोगों ने तो मुझे फांसी कार्ड पहुँचा दिया मुझे फांसी दे दी मुझे गद्दार ठहरा दिया एक पैट्रियट से एक मतलब मोय वतन से मुझे गद्दार ठहरा दिया लेकिन जो असल जवाबदेह होंगे मैं वहाँ पर आख़रत में होंगा जो खुदा के सामने होंगे कि जब खुदा पूछेंगे तो मैं कि तो मैं तो मैं साफ़ और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मतलब जो भी होगा जो भी अतात होगी मुझसे वो मैं खुदा से ही मांगूंगा क्योंकि लोग इस काबिल नहीं होते कि लोगों से कुछ अच्छाई करके किसी अच्छाई की को रखी जाए अच्छाई की सिर्फ अल्लाह से रखी जाती है ठीक है सो दिस वॉज द पोएम रिगार्डिंग पैट्रियट के पैट्रियट के हवाले से या महब वतन के हवाले से बताई गई है पूरी स्टोरी कि एक महब वतन होता है जो अपने मुल्क के लिए लड़ता है उसके लिए उसकी हिफाजत के लिए वो uh, मतलब जितने अच्छे अच्छे काम करता है उसकी वजह से उसको वेलकम किया जाता है लेकिन कुछ इंसान है ऊँच नीच हो जाती है एक दो गलती हो गई तो उस गलती की वजह से उसको फांसी घाट पर पहुंचा के उसको गद्दार ठहराना और उसका सिला इस तरह देना सो द सेम स्टोरी हैज़ बीन मैंशन इन द पोएम और वो कहता है कि सिला मुझसे यहाँ पे नहीं लोगों से नहीं चाहिए मुझे उस परवरदगार से चाहिए जिसने मुझे पैदा किया है ठीक है सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टोरी विच हैज़ बीन मैंशन इन दिस पोएम अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम विद अ लेसन इन इट ओके सो आगे जाके इस ऑथर uh, के हवाले से भी कुछ uh, एक ग्लास देखते हैं और पोएम के हवाले से भी कुछ है वो भी देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी बुक में तो आपके सामने ही है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग जो तस्वीर आप देख सकते हैं वो रॉबर्ट ब्राउनिंग का है वो एन इंग्लिश पॉइट ये एक इंग्लिश पॉइट है मतलब यूके से रिलेटेड है लंडन uh, से रिलेटेड ठीक है यूके वाला पॉइट है सो एंड प्ले राइट ऑफ विक्टोरियन एज विक्टोरियन एरा होता है जो uh, दौर गुजरा है विक्टोरियन एरा उस एज का एक पॉइट है प्ले है प्लेज भी उसने लिखे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही वॉज वाइडली रिकोगनाइज एज अ मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेचर ओके सो इसको इन चीज़ों का मतलब जो ड्रामे वगैरह जो प्लेज वगैरह बनता है ड्रामेटिक मोनोलॉग और साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेचर जो साइकोलॉजिकली जो लोगों को मुतासर करे ऐसी चीज़ हो उस तरह की प्लेज या उस तरह की नजमें यानी कि पोइट्रीज लिखता था ये द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड सोल इज ब्रॉनिंग डोमिनेंट इंटरेस्ट मतलब इंसानी जो दिमाग है वो किस तरह काम करता है जैसे कि इस तो, इस में आपको साफ साफ बताया जा रहा है ना कि एक आ, आ, होता है, जो है। ये सिला मिलता है।, कैसे काम करता है इस हवाले से ये रॉबर्ट ब्रॉनिंग काफी मशहूर था कि इन चीजों को वो अच्छी तरह पोर्ट्रे कर सकता था अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग और ये जो साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेचर है उसमें और अपनी पोइट्रीज में या अपनी प्लेज में या ड्रामाज में ये चीज़ें अच्छी तरह से पोर्ट्रेट कर पाता था इस वजह से बहुत फेमस था इस हवाले से <coughs> और इसकी डोमिनेंट इंटरेस्ट भी यही थी कि इंसानों के दिमागों को पढ़ना मतलब वो किस हवाले से कैसे लोग होते हैं कैसे कैसे लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं कुछ लोग लालची होते हैं कुछ बेखौफ होते हैं कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं कुछ बहादुर होते हैं सो लाइक वाइज ऑल द ह्यूमन ट्राइट्स ओके टॉकिंग अबाउट दैम okay in the writing of poetry his other famous poems are my last duchess rabbi bin ezra and the last ride together he is a robust optimist he has also written divine poems okay so iski jo kuch mashhoor hai, wo yahan mentioned hain ki my last duchess ek robert browning rabbi bin ezra ye bhi ek famous poem hai the last ride together ही इज अ रोबर्स ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट मतलब जो मस्बत सोचता है जो मनफी नहीं सोचता ओके ही इज एन ऑप्टिमिस्ट सो वो अब हर चीज को अच्छाई की नजर से ही देखता है वो ये कहता नहीं है कि मतलब एक मस्बत सोच रखने वाला ठीक है जैसे कि एक पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट होता है पेसिमिस्ट एंटीनियम जो किसे कहते हैं हम लोग एंटीनियम ऑफ ऑप्टिमिस्ट इज पेसिमिस्ट पेसिमिस्ट वो होता है जो अक्सर नेगेटिव सोचता है गलत सोचता है ठीक है ऑप्टिमिस्ट जो होता है वो पॉजिटिव ही सोचता है अच्छा ही सोचता है कि

और रॉबर्ट ब्राउनिंग के बाद नीचे आते हैं हम लोग पोएम के हवाले से कि पोएम के हवाले से क्या मेंशन किया गया है वही सेम स्टोरी द पैट्रेट इज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ ड्रमेटिक वर्ड्स एक ड्रामेटिक वर्स है इट डील्स फिकलनेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड द हीरो वर्शिप जो पब्लिक की जो ओपिनियन होती है लोगों की जो राय होती है अपने हीरोज के हवाले से और हीरो वर्शिप जो करते हैं वो मतलब अपने हीरोज़ को मुल्क के जो पैट्रियट होते हैं उनके हवाले से वो चीज़ों के हवाले से बात की गई है द सेम पीपल हु लिफ्ट यू अपल्सो थ्रो यू डाउन और फॉल यू डाउन इन टू द डेच वही वाली बात जो आपको सर पे बिठाएंगे वो एक दिन आपको जमीन पे, पे फेंक देंगे ठीक है सो so, यही चीज उसने वो एक जो इंसानी एक सोच है या वो एक हरकत है वो एक मैंटेलिटी है इंसानी ह्यूमन मेंटालिटी, उसके हवाले से बात की है कि कभी जो लोग आपको मतलब सर पे बिठाएंगे वही आपको जमीन पे दे मारेंगे ठीक है द स्पीक ऑफ द पोएम इज अ पैट्रियट वो एक पैट्रियट है ही थिंग्स ऑफ हज ग्लोरियस पास्ट जो उसने अच्छी पास्ट गुजारी है अगो ही वॉज गिवन अ ग्रैंड वेलकम ऑन इज अरावल टू द टाउन जब वो टाउन में पहुंचा तो उसे बहुत अच्छी वेलकम मिली बट एवरीथिंग वॉज हैज चेंज नाउन सब कुछ बदल चुका है द पैटवेट इज बिंग टेकन टू द स्कैफल फॉर ऑल हिज मिस उसने कुछ जो कुछ गलत किया है कुछ गलत किए होंगे उसी वजह से उसको स्कैफल मीन यानी कि वहाँ पे जो फांसी uh, काट है उसकी तरफ ले जाया जा रहा है पीपल आर थ्रोइंग स्टोन सारे लोग जो इसकी वाहवाही करते थे वही उसको पत्थर मार रहे हैं वाट एन एल्फेट टू अ मैन हू स्पेंट ऑल हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री मैन एल्फेट मतलब जो उसकी बदकिस्मती है उठे ये वो उस हवाले से बात करें कि ये कैसी बदकिस्मती है इंसान की जो उसने अपने कंट्री मैन के लिए अपने लोगों के लिए अपने मुल्क के लिए जो उसने ख्वारी की है जो अच्छा है जो मतलब उसने पूरी जिंदगी गुजार दी थी आ, से ही पत्थरों से मार मार के उसको लटका दिया गया फांसी में द पैट्रियट इज ऑप्टिमिस्ट लेकिन वो पैट्रियट जो है वहां पे ऑप्टिमिज्म की भी शॉर्ट दी गई है जो आखिरी पैराग्राफ हमने पढ़ा था पोयम में उसमें बताया जाता है ये पैट्रिटिज्म पैट्रिक की जो ऑप्टिमिज्म जैसे कि रॉबर्ट ब्रोनिंग खुद ऑप्टिमिस्ट है तो इस हालत में भी जब किसी को फांसी देना हो उस वक्त भी कोई मस्बत सोच रखे हाउ इज इट पॉसिबल ठीक है तो ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे uh, मामलात में इस तरह की uh, के वो बिल्कुल मौत के साथ आमने सामने उसे फांसी दी जा रही है लेकिन वो अच्छा सोच रहा है हाउ अच्छा सोच रहा है कि मैंने जो आपको बताया द, बताया था कि वो सोच रहा है कि मैंने जो किया है उसका सिला मुझे खुदा देगा मुझे इन लोगों से कुछ नहीं चाहिए ठीक है सो सेम थिंग हैज बीन मेंशन हियर द पैट्रियट इज ऑप्टिमिस्ट ही होप्स दैट सिंस ही डिड नॉट रिसीव हिज रिवार्ड इन दिस वर्ल्ड ही विल बी रिवार इन द वर्ल्ड हेयर एफ्टर ठीक है उसको तो कोई इनाम नहीं मिला यहाँ पे इनाम यही मिला गालियाँ पत्थर और फांसी वो यही कहता है कि मरते वक्त भी जब उसे फांसी दी जाती है वो ऑप्टिमिस्ट होता है पॉजिटिव सोचता है कि यहाँ पे तो मुझे इनाम नहीं मिला सिला नहीं मिला जो अच्छाई मैंने की इन लोगों के साथ इसका सिला मैं आ, मुझे अल्लाह देगा या मेरा खुदा देगा आखरत में ठीक है सो दिस वॉज द यूनिट फोर्टीन दैटरेट पोएम इनशा वी विल